वेब समाचार में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ बबलू कुमार। देखिए वेब समाचार की टीम अभी नगर पंचायत डोभी में पहुंच चुकी है। अभी हमारे साथ बात करने के लिए हैं डोभी नगर पंचायत के चेयरमैन मथुरा यादव जी। सर सबसे पहले वेब समाचार में स्वागत है। स्वागत है सर। आप ये बताइए डोभी नगर पंचायत का अभी काम धाम क्या चल रहा है? डोभी नगर पंचायत ये पहला बार बना है और पहली बार हमारे साथ यहाँ के VC 11 को वार्ड पार्षद निर्वाचित हुए हैं। नया नगर पंचायत बना है, फिर भी हम लोग अपने प्रयास से अभी हमारे नगर पंचायत के अंतर्गत साफ सफाई, नाली उड़ाही सब वगैरह जो कार्य होता है वो सब हो रहा है। स्ट्रीट लाइट पूरे नगर पंचायत में लगा दिया गया है। आपका जो होता है कचरा वाला बाल्टी, उसको भी छोटा वाला भी बड़ा वाला भी पूरे नगर पंचायत में वितरण करा दिए हैं। करीब 1.5 करोड़ का लगभग रोड नली गली लिया गया है, जो कार्य प्रगति पर है। जिस समय नगर पंचायत नहीं बना उस समय कमियां क्या था डोभी में? देखिए जिस समय नगर पंचायत नहीं बना था उस समय बहुत सा कमियां थी। रोड नली गली, आवास योजना, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन जितने भी हैं ये सब के कमी था, जो हम लोग इसको धरातल पर लाने का काम कर रहे हैं और धरातल पर लाए भी हैं। अभी भी कमियां क्या है डोभी नगर पंचायत में? अभी तो हम लोग का नया नगर पंचायत बना, जैसे अभी हम लोग स्ट्रीट लाइट का कार्य किए, अभी भी कुछ लगना बाकी है। रोड नली गली बनाना ज़रूरी है। इसके बाद आवास योजना, अभी तक हम लोग का 1 वर्ष चौथा महीना होने जा रहा है चुनाव जीते हुए, लेकिन अभी तक के हम लोग का आवास योजना नहीं आया। हम लोग यहाँ से स्वीकृति करवा के सब समीक्षा करके यहाँ से भेज दिए हैं, लेकिन आवास योजना नहीं आया है। अभी यहाँ आपका मृत्यु प्रमाण पत्र हो गया, जन्म प्रमाण पत्र हो गया, ये धड़ल्ले से इसका कार्य किया जा रहा है और बाकी हम लोग प्रयास में लगे हुए हैं कि अभी कार्य प्रगति पर हो और सही ढंग से सुचारू ढंग से कार्य हो सके। अब तक कितना आवास योजना आपने पास करवाया? अभी तक हम लोग यहाँ से करीब 1000 के लगभग आवास योजना हम लोग यहाँ से भेजे हैं, लेकिन अभी तक वहाँ से स्वीकृत होकर नहीं आया है। नल जल की स्थिति क्या चल रहा है? नल जल का स्थिति पूर्व में ग्राम पंचायत था, यहाँ नल जल का कार्य हुआ था, लेकिन दयनीय स्थिति है। 0/100 उसको मान के चली, कहीं भी सुचारू ढंग से नल जल योजना सक्सेस नहीं है, आना चालू है। विशेष कमियाँ अभी आपको नज़र में क्या है डोभी नगर पंचायत? विशेष कमियां अभी हमारे नगर पंचायत में जैसे भी शिक्षा हो गया, दूसरे में सिंचाई हो गया, तीसरा आपका स्वास्थ्य हो गया, रोड नली गली वगैरह ये सब हो गया, आवास योजना हो गया, ये सब बहुत सी सारी योजनाएं हैं जो अभी होना बाकी है और जब तक ये सब पूरा नहीं होता है तब तक नगर पंचायत सही ढंग से सुचारू ढंग से नहीं चल पाएगा। शिक्षा के तहत क्या सोच है आपका? शिक्षा के तहत मेरा सोच है कि नगर पंचायत डोभी के अंतर्गत ऐसा विद्यालय का निर्माण हो, कॉलेज बने, उच्च विद्यालय बने, कि ताकि यहाँ के बच्चे बच्चियों को पढ़ने के लिए या शिक्षा पाने के लिए कहीं दूसरे जगह नहीं जाना पड़े। अभी भी मतलब डोभी नगर पंचायत में ऐतिहासिक काम कौन सा काम किए हैं जो कभी भी नहीं हुआ? डोभी में ऐतिहासिक काम अभी हम लोग किए हैं कि जैसे कभी नहीं हुआ था, स्ट्रीट लाइट यहाँ नहीं लगा था, स्ट्रीट लाइट लगावाए यहाँ। जो हम लोग का जो नगर पंचायत के अंतर्गत जो हम लोग आपका क्या चीज़ डस्टबिन छोटा वाला जो बाल्टी होता है उसका साफ सफाई के लिए, कचरा उठा कर रखने के लिए बड़ा वाला डस्टबिन जो होता है उसको हम लोग रखे हैं। अभी हम लोग को 2-4-5 कार्य जो है बहुत महत्वपूर्ण है। पहला कार्य है कि जैसे हम लोग अभी टैक्स वसूली, नगर पंचायत में टैक्स वसूली का प्रावधान है और हम लोग ट्रेड लाइसेंस लोगों के दे रहे हैं, सभी लोग को सूचना दे दिया गया, बहुत से लोगों का दे दिया है, अभी हम लोग उसका टैक्स वसूली नहीं कर पाए हैं। दूसरी चीज़ है कि सुचारू ढंग से यहाँ बस स्टैंड, बस का ठहरा के लिए कोई वैसा जगह निर्धारित नहीं की गई है। तीसरा कि नगर पंचायत अंतर्गत डोभी का जो कचरा का उठाव होता है, हम लोग अंचल अधिकारी डोभी को 1-2 बार ज्ञापन दे चुके हैं, लिखित यहाँ से सूचना दे चुके हैं कि हम लोग के लिए कोई ऐसा ज़मीन का व्यवस्था कराया जाए ताकि हम लोग का जो कचरा का उठाव होता है नगर पंचायत से उसको डंपिंग करने में सुविधा हो। चौथा, हम लोग एक
डोभी चतरा रोड में बुधनी बाज़ार डोभी में हर एक सप्ताह में एक दिन बुधवार को लगता है। वहाँ रोड पर लगने के कारण बहुत जाम का स्थिति हो जाता है, बहुत सा इमरजेंसी में आने जाने लिए एम्बुलेंस वगैरह हुए या किन्हीं को कहीं आने जाने में बहुत असुविधा का सामना करना पड़ता है। तो उसके लिए भी हम लोग स्टैंडिंग बोर्ड की बैठक में पारित किए हैं, प्रस्ताव ले लिए हैं कि बुधनी बाज़ार को वहाँ से हटाकर हम लोग डोही बाईपास में उसको शिफ्ट किया जाए। राशन कार्ड और विधवा पेंशन के लेकर राशन कार्ड विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, हम लोग सभी वार्ड पार्षद के द्वारा खुद स्वयं अपने द्वारा सभी नगर पंचायत के वासियों को जो उस लायक हैं, जो लाभ लेने लायक हैं, उन लोग को सूचित किया गया है और उन लोग का लाभ मुहैया कराया जा रहा है। राशन कार्ड समय लगता है, उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है, ऑनलाइन करनी पड़ती है। ऑनलाइन के अलग बाद जो नियमता जो होता है जांच पड़ताल करके कि कौन लोग राशन कार्ड लायक हैं, किन लोगों को वृद्धा पेंशन दिया जाए या विधवा पेंशन दिया जाए, ये सब हम लोग कार्य कर रहे हैं और प्रगति पर है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ बात करेंगे जुड़ रहे थे नगर पंचायत डोभी के चेयरमैन मंथुरा यादव जी।